है। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, जनपद पंचायत की महिला कर्मी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने आरोपी को बेदम पीटा है। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी कर्मचारी जिला पंचायत अटैच कर दिया गया है। कलेक्टर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से पिटाई की गई है, क्योंकि ये महिला कर्मी से छेड़छाड़ कर रहे थे और फिर उसके बाद इस महाशय की आप देखिए किस तरह से धुनाई की है महिला ने। महिला ने आरोपी कर्मचारी को पीटा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। ये छेड़छाड़ कर रहा था महिला कर्मी से और उसके बाद कितना महंगा पड़ा इसे छेड़छाड़, आप तस्वीरें देखिए। इसे जिला पंचायत अटैच कर दिया गया है और इसके साथ ही कलेक्टर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। डिप्टी कलेक्टर से कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपे। माले बड़े खबर आप मतलब बता दें, जनपद पंचायत के महिला कर्मी ले छेड़छाड़ के घटना आगू आए हवे। महिला आरोपी ला पीटीस घलो हवे। आरोपी के पिटाई के वीडियो वायरल होत हवे। आरोपी कर्मचारी जिला पंचायत ला अब अटैच कर देगा, वह लाइन अटैच करी गई हवे और कलेक्टर है जांच बर 5 सदस्यीय टीम घलो बना दी है। डिप्टी कलेक्टर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी। तो बड़े खबर आप मतलब बताते हैं सुकमा ले, जहां महिला कर्मी ले छेड़छाड़ के वारदात हुई, लेकिन महिला कर्मी है सावधानी बरते इस अवसंग में आरोपी के जम के पिटाई करे हवे। वीडियो आप मैं देखा था, वीडियो खूब वायरल होता हवे और संग में कलेक्टर हाब जांच बर 5 सदस्यीय टीम घलो बना दे है और 7 दिन के भीतर में रिपोर्ट पेश करे के आदेश दे हवे।